हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? जॉब सेंटर करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। और आज का जो न्यू जॉब आया है वो एसएससी का सीएचएसएल का जॉब है, मतलब डाटा एंट्री का जॉब है, और एलडीसी का जॉब है, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क का जॉब है। तो पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे जॉब मैं ले आता हूँ इस चैनल में, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो में। देखिए, आज का जो जॉब है वो एसएससी का सीएचएसएल का जॉब है, और इसका आपका जॉब लोकेशन होगा ऑल ओवर इंडिया में, और वैकेंसीज कितना है वो भी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और जॉब जो नेम है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 10+2 लेवल का जॉब है, परमानेंट जॉब होगा और गवर्नमेंट जॉब होगा। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी है, और देखिए असिस्टेंट असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट का जॉब है, और डेटा एंट्री का जॉब है। तो बहुत सारे पोस्ट है, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। और मैं पहले बता चुका हूँ, आप फ्रेशर्स हो तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 ईयर्स तक आपका एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, देखिए वो 3 टायर से, मतलब थर्ड टायर से आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस होगा। फर्स्ट जो टायर है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, उसका नंबर कौन सा है, तो वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं एक टेबल में दिया हुआ हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड टायर में क्या होगा वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और थर्ड टायर में क्या होगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए एप्लीकेशन जो फीस है, आप जनरल कैटेगरी हो तो आपको 100 रुपीज़ देना है, और उसके बाद आप ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और एक सर्विस मैन हो तो आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और आप जो 100 रुपीज़ पे करना है, आपको नेट बैंकिंग, आपका कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एसबीआई चालान भी आप जनरेट कर सकते हैं, तो उसके साथ आप पे कर सकते हैं। तो सैलरी जो डिटेल्स है, यहाँ पर देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको पे मतलब सैलरी मिलेगा 19,900 से 63,200 तक। और आपका जो आप पोस्टल असिस्टेंट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको सैलरी मिलेगा पे लेवल 4 से, मतलब 25,500 से 81,100। और आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, एमसीए, बीबीए, बीबीए, ठीक है। तो ये सब क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाइड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ हूँ, तो कौन सा डेट में क्या होगा वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन का ऑनलाइन प्रोसेस का डेट 6/12 का अब चलेगा, और जब रिसीव होगा एप्लीकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव होगा वो 15/12, मतलब 15/12 से पहले आपको रिसीव करना है, ठीक है। और ऑनलाइन जो पेमेंट करना है वो 17 दिसंबर तक आप पे कर सकते हैं, और जिनरेट ऑफलाइन चालान जो पे कर सकते हैं 20 दिसंबर तक, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 12 अप्रैल 2021 में, 1 से 27 अप्रैल 2001 तक, ठीक है। और बाकी जो दो एग्जाम होगा वो अभी डेट नहीं आया हो, तो जब डेट आ जाएगा मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। तो टोटली ऑनलाइन प्रोसेस है, कैसे आप ऑनलाइन ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे वो आपको दिखा रहा होगा पे। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है, तो पहले आप डाउनलोड बटन में जाकर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। तो मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप जब नहीं पढ़ेंगे तो आपको अप्लाई करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे चीज़ आएगा जो आपको पता नहीं होगा, तो इसलिए प्लीज़ आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। और उसके बाद भी आपको कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद ये नया विंडो ओपन हो जाएगा, तो आपको कहाँ जाना है देखिए, राइट साइड में न्यू यूज़र है, और न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। आप पहले से लॉगिन किया हुआ तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर, कैप्चर कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, मगर अब न्यू है तो अब न्यू यूज़र पे क्लिक कर दीजिए। जब न्यू यूज़र आप क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस नया विंडो में आपको क्या करना है, आपका आधार नंबर है तो आप यस कर दीजिए, उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आप वेरीफाई कर दिए आधार नंबर, फिर
और आपका आधार नंबर नहीं है तो आप क्या नो कर दीजिए, उसके बाद कोई भी कोई भी आईडी प्रूफ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी चूज कर लीजिए, उसके बाद आप उसका नंबर दे दीजिए। यहाँ पे देखिए नाम, आपको नाम देना है, मतलब नेम देना है, उसके बाद नेम को वेरीफाई करना है। इस तरीके से पूरा फॉर्म फिलअप आप पढ़ लेंगे तो अच्छा हो, तो आप ज़रूर अप्लाई मतलब फिलअप कर सकते हैं, इजी प्रोसेस है। कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो इसी तरीके से आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा, तो वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में आपको एडिशनल मतलब आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस डालना है, और थर्ड स्टेप में आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर डालना है, ठीक है। तो फ़ोटो एंड सिग्नेचर कैसे करेंगे, उसका साइज, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो आई होप इस जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप नए हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जॉब होता है जो मैं वीडियो में नहीं ला सकता, तो इसलिए टेलीग्राम में देता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम को फॉलो करिए, तो बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों का शेयर भी करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉब लेके, धन्यवाद।